हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे ज़रूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की। तो अभी कुछ 10 बजने के लिए आ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं आज का शेड्यूल क्या बनता है। ऑडिशन देने जाना है या ऑनलाइन ऑडिशन आता है कुछ, तो चलते हैं। फिर लास्ट पूरी भाजी फिनिश कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि अपना रूम का टूर करवा दीजिए जहाँ आप रहते हैं। तो पहला रूम तो मैं छोड़ चुका हूँ जो था बिल्डिंग में, तो अभी चौल में ही हूँ, तो ठीक ठाक है। तो और 5-6 लोग रहते हैं मेरे साथ, तो रूम टूर करवा देता हूँ आपको। ये है रूम। तो यहाँ एक रहता है, यहाँ 2 लोग सोते हैं, यहाँ एक, और अंदर भी एक छोटा सा है, वहाँ एक जन सोता है। लाइट कहाँ है? यहाँ पे वो भाई अलग चले गए हैं। तो ये सब पीजी में ही है, ये सब पीजी का ही है। तो ये मेरा बेड है सब। और फिर जिनको खाना बनाना है वो अपना खाना बना सकते हैं यहाँ पे। और फिर ये बाथरूम, किचन, और यहाँ पे नहाने का। तो यही है कि क्योंकि अगर आप महंगा ले सकते तो महंगा भी ले सकते हैं, तो सस्ते में चाहे तो ऐसे ही मिल जाता है, ठीक ठाक ही है। तो यही था, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सस्ते में मिल सकते, सस्ते मिलने से आपको चौल में मिल जाएगा। बिल्डिंग में चाहिए तो आपको शायद और कुछ 3,500-4,000 के पास आराम से मिल जाएगा। तो ये मेरा कुछ 2,000 के आसपास ही है, 2,000 तक ही है। तो उसमें सब है, बाथरूम भी तो ठीक है, मिल जाते हैं कभी कभी। मेन बात यह है कि अच्छे लोग मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके साथ आप लोग रहते हैं। तो अभी तो यहाँ 5-6 दिन हुआ है तो यहाँ ठीक ठाक ही है, लेकिन बाकी जहाँ भी रहता था वहाँ पे कोई ना कोई बेवकूफ़ लोग जो आ जाते थे एक्टर बनने के लिए, वो लोग रहते, कुछ है ही नहीं आना जाना, सिर्फ आके गर्दी बढ़ा रहे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, रात 2-2, 3-3 बजे तक चिल्लम चाटी करना, ये सब बकवासगिरी करना, काम की बात कुछ नहीं, बाकी हर फालतू काम आता है। तो बहुत तकलीफ होता था। तो अभी यहाँ रुका हुआ हूँ नए पीछे में, तो अभी तो ठीक है, कुछ टेंशन नहीं है, सब लोग आराम से सो रहे, साइलेंस है, सब काम भी हम कर सकते हैं। तो यही है, तो देखते हैं फिर आगे कैसे रहा है। तो चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेंड के पास जा रहा हूँ क्योंकि उसको ऑडिशन बनाना है, तो क्यू देने के लिए। तो चलता हूँ और उसका ऑडिशन बना देता हूँ क्योंकि वो भी मेरी हेल्प करता है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा करने के लिए। चलते हैं। गार्डन में आ चुका हूँ, बैठता हूँ और रीडिंग करता हूँ। फिर तो थोड़ा सा गार्डन में आ चुका हूँ, तो बैठता हूँ, थोड़ा सा रीडिंग करता हूँ और उसके बाद फिर देखता हूँ। तो सुबह से अभी तक कोई ऑडिशन तो नहीं आया है, तो भी अपना काम है प्रैक्टिस करते रहने का, तो बैठ कर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं शाम को। फिर अभी 6:30 बजने के लिए आ चुके हैं, तो आधा एक घंटा रीडिंग करके हो चुका है। तो चलते हैं अभी फिर घर की तरफ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं फिर। तो फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं। तो यही था आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।